अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रीवियसली हमने चैप्टर नंबर 8 पे जो टॉपिक किया है वो डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग है, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है द माउथ, माउथ और उसमें टीथ के बारे में स्टडी करेंगे। माउथ जो हमारा मुंह है, ठीक है, लिप्स के दरमियान जो हमारे अंदर एरिया आता है डेट इज कॉल्ड माउथ। माउथ क्या है? ओपनिंग बिटवीन द लिप्स। ओपनिंग बिटवीन द लिप्स, ये ओपनिंग फाइनली कहां पे लेके जाती है? लीड्स टू बकल कैविटी और ओरल कैविटी, जिसके अंदर क्या क्या मौजूद है? एक तो ये टंग और दूसरा टीथ। अब टंग के ऊपर जायका जो किसी भी चीज का आता है हमें, वो किस वजह से? हमारी टंग पे कुछ टेस्ट बर्ड मौजूद है, ठीक है, जायके को सेंस करने वाली हिस मौजूद है जो हमें बताती है कि कौन सी चीज का टेस्ट किस तरह से है। जो हमारे टंग की टिप पे आता है हिस्सा, वो मीठी चीज को डिटेक्ट कर सकता है सिर्फ। उससे पीछे थोड़ा सा साइड पे, जुबान की एक साइड पे देखें तो वो सॉल्टिश चीज को जो है वो टेस्ट करेगा। आप जब भी नवाला रख के खाएंगे ऑब्वियसली वो मुंह में एक साइड पे रख के खाएंगे, ठीक है, वो सॉल्टिश को। सॉल्ट वाले टेस्ट बर्ड सिर्फ इतना सा पोर्शन है, उससे ऊपर थोड़ा आए तो सॉवर, जो खट्टी चीजें जो होती हैं, ठीक है, जिनका जायका तुर्श होता है, जैसे सिट्रस फ्रूट हो गए, ठीक है, ऐसे फल के जिनका जायका खट्टा होता है, वो जबान का ये वाला हिस्सा जो है उनको डिटेक्ट कर सकता है। और बिटर, बिटर ऐसी चीज को कहते हैं कि जिसको आपका बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है, कड़वी होती है, ठीक है, वो जो आखिरी पोर्शन टंग का है वो बिटर टेस्ट के लिए महसूस किया गया है, ताकि कोई ऐसी चीज जो कि कड़वी है और जिसने जाके हमारी बॉडी को नुकसान देना है वो उसको उगल दे, ठीक है। और नीचे पीछे, इससे पीछे जो है वो हलक की नाली होती है, ठीक है, जिसे एसोफेगस या फूड पाइप कहते हैं, तो उसमें जाने से रोकने वाला जो डिटेक्टर ऑर्गन है वो बिटर पोर्शन है हमारे टंग का, जो कि जायके को चखने वाली हिस होती है। यहां तक अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा यहाँ पे माउथ में होते हैं हमारे पास टीथ। अब टीथ चार मुख्तलिफ तरह के होते हैं, फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। एक है इनसाइजर, एक है कैनियन, ये है प्रीमोलर, जो के फर्स्ट जो बिग टीथ होते हैं, प्रीमोलर जो यहाँ पे करके आपके जबड़े के मौजूद होंगे, और ये हमारे पास आ जाता है मोलर। ठीक है, ये हमारे पास आ गए मोलर्स, जिन्हें हम विजडम टूथ का भी नाम देते हैं, ठीक है।
अब ये इंसाइजर जो है वो क्या है, फ्रंट ऑफ द टीथ है, दांत अगले जो दांत होते हैं इंसाइजर हैं, ठीक है। कैनियंस ये वो दांत हैं जो नोकदार होते हैं और ये हमें क्या हेल्प करते हैं, इंसाइजर है फ्रंट टीथ जो आपके कैनियन ये होते हैं नोकदार, ठीक है, पॉइंटेड होते हैं, पॉइंटेड होते हैं ये, हम इससे किसी चीज को काटते हैं, ठीक है, चबाते हैं, ये जो कैनियन है ये पॉइंटेड टीथ होते हैं और इनका क्या काम होता है कि ये जो गोश्त वगैरह जैसे हम जो चीज करते हैं उसको प्रेस करके और च्यू करने में हमें हेल्प करते हैं, पॉइंटेड टीथ होते हैं। इसके बाद प्रीमोलर ये जो वो स्टैबिंग के लिए काम आते हैं, प्रीमोलर का क्या काम होता है, च्यूइंग। कैनियंस का काम क्या होता है कि ये इसको स्टैब करते हैं, प्रेस करते हैं और उसको काटते हैं, ठीक है। इंसाइजर का क्या काम होता है, ये कटिंग के लिए जब वो यूज होते हैं, कोई भी चीज जब हमने उसको दो हिस्सों में करना हो, यानी आधा नवाला, नवाले को जब तोड़ना होता है हम अगले दांतों की मदद से तोड़ेंगे, उसको अगले दांतों में रख के तो ऐसे खींचेंगे तो वो कटिंग का काम होगा, ठीक है। जब हमने कोई बोटी वगैरह को करना होता है तो हम यहाँ पे साइड पे रख के उसको ऐसे करके खींचेंगे ताकि ये स्टैब करके, ये नोकदार होती है, जैसे कोई नोकदार चीज़ किसी उसको जो वो कटिंग करती है, काटती है, ठीक है। प्रीमोलर्स का क्या काम होता है, प्रीमोलर का काम होता है खाने को च्यू करना, और मोलर्स का काम क्या होगा, मास्टिकेशन, मास्टिकेशन यानी स्लाइवा के साथ उसे मिक्स करना और एक बॉल की शक्ल में उसको रोल करना ताकि वो हलक के अंदर जाके गिरे, ठीक है। तो ये फोर डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ जो है वो हमारे जॉस में मौजूद होते हैं, जो फूड को डाइजेस्ट करने में सबसे पहला स्टेप प्ले करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।